नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आइए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की ओर। खबर बिहार के गया जिले से आ रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गया लोकसभा के साथ ही विधानसभा कोर कमेटी की बैठक की गई। बता दें कि गया जिला भाजपा कार्यालय में ये बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश चिंटू एवं संचालन जिला महामंत्री गोपाल प्रसाद यादव ने किया। बता दें कि इस बैठक में पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सह सांसद रविशंकर प्रसाद के साथ ही बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में 400 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बिहार को भी शामिल किया गया है। बता दें कि बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प लिया गया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी परिवार बिहार को मजबूती चलाने के लिए संकल्प लिया। साथ ही कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की चर्चा करते हुए सामाजिक न्याय की बात करते हुए कहा कि सिर्फ सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं, सम्मान देने के समय भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा का प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित एवं खुशी का इजहार किया। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए गया बिहार से संवाददाता सुरेश निकर की रिपोर्ट। आए थे अनिल के यहाँ शादी कार्यकर्ताओं की बैठक थी। बिहार का की फिजा बदल गई है। तो एक बार हुआ कि हम सभी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, तो ये आज हमारा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो जब हमारे प्रदेश ने कहा कि आपको गया जाना है, तो मुझे बहुत आनंद हुआ। तो मैं नई सरकार का अभिनंदन करता हूँ। हमारे मित्र प्रेम बाबू मंत्री बने हैं, इनका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी कुछ दो तीन बातें पहले बोल दूंगा, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। ये सरकार जो बनी है, ये बिहार के कुशासन, लूट, भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए बनी। नीतीश कुमार भी उब गए थे, ये हम जानते हैं। जिस तरह से बिहार चल रहा था, मुझे बताया गया है कि विश्व सूत्रों के द्वारा कि काफी काउंटर खुले हुए थे, समझते हैं अपना। और जिस तरह से अपराधियों का प्रोत्साहन ठेका में, मिट्टी की कटाई में, मेरे पटना, मैं लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब का एमपी हूं, ये शिकायत मिलती थी कि आजकल हम लोग मकान बनाते हैं तो पूजा करनी पड़ती है, वरना उसके बिना हिम्मत नहीं रहता है। ये क्या हो रहा था बिहार में? कितना बैंक की लूट बढ़ी थी आपको मालूम था नॉर्थ बिहार? तो बिहार में भ्रष्टाचार, लूट, अपराध, जिस तरह सर चढ़कर बोल रहा था, उसके कारण रिश्ता बना है। अतीत की बातें अतीत की हैं, मैं उसको छुपा नहीं सकता, लेकिन यह सच्चाई है कि 2020 का चुनाव भाजपा और नीतीश जी जदयू ने मिलकर साथ लड़ा था और बहुमत आया था, और बीजेपी की संख्या अधिक थी, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से ही घोषणा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो मैंडेट अगर बिहार की जनता का था तो एनडीए के लिए था, बीजेपी जेडीयू एलजेपी के लिए था, आरजेडी नहीं था। तो किसी ने अगर जनता के मत को चुराकर सरकार बनाया था तो आरजेडी ने बनाया था, ये समझना बहुत जरूरी है। हम रिश्ते निभाते हैं। अगर 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भाजपा को पूर्ण बहुमत था, फिर भी उन्होंने अपने सहयोग का मंत्री बनाया, चाहे वो रामविलास जी हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे उसमें शिवसेना हो, 19 में भी बहुमत और मिला था, फिर भी हमने अपने सहयोग को स्थान दिया। तो हम रिश्ते निभाते हैं। और यहां का हाल देखिए, न नेता का पता, न नीति का पता, न नियत का पता, सरकार का तो पता ही नहीं है कितना मार चल रही है।
प्रभु राम अयोध्या में बैठे और पता नहीं क्या हुआ, ममता जी छोड़ के चली गई। कुछ दिनों के बाद नीतीश बाबू छोड़ के चले गए। अभी रांची में क्या हो रहा है पता नहीं, आगे बताएंगे। और एक साहब चले हैं देश को जोड़ने के लिए और उनके पार्टी के लोग क्या तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे राजनीति नहीं होती। और तेजस्वी जी आप कहते हैं खेला होगा, ऐसे खेला नहीं होता है। अब जदयू भाजपा लोजपा के बीच में पूरी एकता है, एकता है बिहार के लिए, बिहार को बनाने के लिए हम पार्टी। और हम लोकसभा में 40 की 40 सीट जीतेंगे, ये बहुत विनम्र भाव से कहना चाहते हैं। एक बात तो मुझे ये कहनी थी मित्रों, हम लोग के लिए परम सौभाग्य की बात है कि माननीय लाल कृष्ण अडवाणी जी को कल भारत रत्न मिला है। लाल कृष्ण अडवाणी देश के प्रामाणिक लाल हैं, वो देश के रत्न शुरू से ही थे। आज हमारी सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रथ यात्रा के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने देश में भारत की पूरी आध्यात्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और छद्म धर्मनिरपेक्षता को एक्सपोज किया, देश में महान काम किया है। बहुत प्रभावी गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्री के रूप में, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भाजपा को गांव गांव तक पहुंचा हूँ। याद है कम से कम 5-6 बार तो अडवाणी जी के साथ मैं गया आया हूँ, रथ पर भी आया हूँ, हेलीकॉप्टर से भी आया हूँ, प्रेम जी को याद होगा। तो मुझे याद है मैं कई यात्राओं में उनके साथ रहने का मौका मिला था। रवि पूछे तो मैं पिछली बार कब आया था, तो जब बहुत मैं उग गया तो हमने कहा कि सर कोई भारत का कोना बचा है जहाँ आप नहीं गए हैं? उस समय आए थे, वहाँ भाषण दिए थे। और मेरा सौभाग्य था जब लालू जी ने उनको गिरफ्तार किया था तो उनका वकील मैं ही था पटना हाईकोर्ट में, जब रथ उनको पकड़ा था यात्रा में। और बाद में उनके आशीर्वाद से मुझे प्रभु राम का भी केस बहस करने का सौभाग्य मिला, तो जीते हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में। सुप्रीम कोर्ट में देश का कानून मंत्री था। बहुत भव्य मंदिर बना है, ऐतिहासिक मंदिर है, भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक। और ये मंदिर कम से कम 1000 साल चलेगा, कम से कम। और ये बिल्कुल पुराने प्रामाणिक मंदिर की जो कला होती है भारत की, रामेश्वरम का मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, तिरुपति का मंदिर, कोणार्क में का मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर, उस अनुसार जो हिलता नहीं है भूकंप में, ब्रजपात में, ये सब भारत की जो प्रामाणिक मंदिर निर्माण की कला है, ये बहुत गर्व का विषय है। आप लोगों से यहाँ घूम आइए पत्रकारों से। राम ने बोले हैं आज़ादी के बाद जो लोग वर्षों तक सत्ता में रहे वो पवित्र पूजा स्थलों की महत्व को नहीं समझ सके, राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने अपनी ही संस्कृति और इतिहास पर शर्म करने की प्रवृत्ति शुरू कर दी। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, जब सवाल किया। और मैं उनको एक विस्तार दूंगा, याद करिए गया में भी होगा। आजादी के बाद हर जगह बड़े बड़े अंग्रेजी गवर्नर जनरल, क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति थी कि नहीं, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड गार्डनर, क्वीन विक्टोरिया पटना के राजभवन के सामने थी, यहां भी गई होगी। आजाद हुए तो सबको हटाया गया ना, क्योंकि वो मूर्तियां गुलामी की मानसिकता थी, मूर्ति नहीं थी। ये मंदिर क्या थे? बाबरी मस्जिद क्यों बनाया गया? बगल में क्यों नहीं बन सकता? मथुरा में क्यों बनाया गया? काशी में क्यों बनाया गया? हमें सबसे बड़ी आस्था के ऊपर चोट करनी है, ये था। दुनिया में तो कितनी जगह चर्च हटा, बाकी हटा। अगर तो मोदी जी इस विषय को उठा रहे हैं, क्योंकि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना, अडवाणी ने कहा था छद्म धर्मनिरपेक्षता। ये झारखंड में और भी तो पूछा हुआ और कोई समझा सर, सरकार को बने में भी हो गए और जो आपने अभी पहली लाइन बोला था कि सुशासन और वगैरह तो वो दिखना भी चाहिए, अभी तक बाहर नहीं आया। थोड़ा तो दम धरने दीजिए साहब, कमाल कर देते हैं आप लोग भी, दम धरिए सब ठीक होगा। सारे एक्सपीरियंस है सर, पहले से सरकार चलाते हैं। चिंता मत करिए, सब इस सब पर प्रेम बाबू साहब एक दिन जवाब देंगे। प्रेम
गठबंधन के तरफ से तो आपके गठबंधन को ऑफर दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बना देंगे, इंडिया गठबंधन देखिए कौन क्या ऑफर दे रहा है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मैं किसी पर कोई निजी टिप्पणी नहीं करूंगा। एक राजनीतिक सवाल बड़े विनम्रता से उठा रहा हूं। लालू जी किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बेटे को तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतने हाय तो बाकी हुए हैं, कहिए बस, इससे भी कुछ नहीं बोलना। जी जयराम रमेश का बयान आया है कि झारखंड में हम गठबंधन सरकार में हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस खुद की सरकार झारखंड में बनाएगी। दिन में सपने देखने पर कोई पाबंदी है क्या? नहीं, चुनाव है नहीं, ये वहां 11वीं सीट जीतेगी बीजेपी लोकसभा चुनाव में, अड्डी सरकार हमारी बनेगी। लोगों ने देख लिया है इस तरह जोड़ तोड़ के बढ़ते हैं तो खाली स्कैम होता है, खाली लूट होती है, खाली क्या क्या नहीं होता है। आप लोग कभी हेमंत सोरेन के डिटेल्स नहीं जानते ना, वो 1000 करोड़ का मामला है वो। बताइए सेना की जमीन, सेना कोई छूटा है यहाँ तो, वो सेना की जमीन है ना साहब, सेटिंग करके काउंटर सेटिंग करके सब बात सामने आई है। तो कभी तक ये लोग मेरे खिलाफ आरोप क्या ये नहीं बोलते, चाहे वो आपके मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो। बंगाल में मंत्रियों के यहाँ से 60 करोड़ 70 करोड़ निकल नहीं, कैश कहिए बिल मिल रहा है, लेकिन बस हाई ईडी करते हैं। चलिए और कोई सवाल तो नहीं? दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, क्योंकि चुनाव में बहुत देरी है, उसके पहले ही गिर रहे हैं, तो इसको होना ही था। ये शुद्ध अवसरवादी गठबंधन है। आज मैं गया के पत्रकार मित्रों को एक अंत में जरूर बात कहूंगा, जो अपने बनाने वाले की भी इज्जत नहीं कर सकता, तो देश की इज्जत क्या करेंगे, देश के लोगों की इज्जत क्या करेंगे। याद है ना आपको इस गठबंधन को बनाने में तो नीतीश बाबू की भूमिका थी कि नहीं? क्यों प्रेम जी? बिल्कुल सही, पटना का भूमिका हूं देश में। तो जो अपने संस्थापक की इज्जत नहीं कर सकते लोग, वहां तो अहंकार, महत्वाकांक्षा, प्रधानमंत्री बनने की चाहत, इसी लड़ाई है। और मजे की बात है ये लड़ाई तब है जो कोई वैकेंसी नहीं है। देश 24 में मोदी जी को बिल्कुल निर्णायक मोहल्ल है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय के मसीहा, गरीबों वंचितों पिछड़ों अति पिछड़ों के प्रामाणिक मसीहा, जिनकी पॉलिटिक्स करने वाले कभी उनकी इज्जत नहीं दिए। लालू जी थे 10 साल मनमोहन सिंह के साथ, क्यों नहीं दिलवाए, उनके तो गुरु थे। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आज हमारे सारे जिला के प्रमुख लोगों ने एक आह्वान किया है और कि नगर निगम से, जिला पंचायत से, बाकी सब से मोदी जी का धन्यवाद देते हुए, कर्पूरी जी को आपने भारत रत्न दिया, अडवाणी जी को आपने भारत रत्न दिया, एक भव्य राम मंदिर बना, इन सब का अभिनंदन करते हुए मोदी जी के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित करेंगे। ठीक है, कर्पूरी जी ने जिस तरह से पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए काम किया, आरक्षण दिया, एक तो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। कर्पूरी जी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा आज गया के मित्रों को, मैंने उनसे पूछा कि आपने पास आउट इंग्लिश क्यों किया था। मुझसे पूछा, मैं बच्चा था, कहा तुम तो हिंदी मीडियम से पढ़े, मैंने सुना है। कहा हाँ, मैं तो नहीं, अंग्रेजी तो अच्छी बोलते हो। एक गांव का बच्चा सब विषय में पास कर जाता है, अंग्रेजी नहीं पास करता है, कठिनाई। तो वो चपरासी की नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता, पढ़े नहीं पढ़ सकता। तो जो औपनिवेशिक दबाव था अंग्रेजी का, इसको हमें तुरंत बहुत बड़ी संख्या में लोग पास करने लगे। ये कर्पूरी जी तो ऐसे महान नेता को मिला भारत रत्न, अडवाणी जी महान नेता, उन्होंने आग्रह किया जितने ग्राम पंचायत हैं, नगर निगम हैं, बाकी हैं, प्रस्ताव पारित करें, मोदी जी का धन्यवाद करें। ये मैं नहीं लेता, ओवैसी का जवाब देने के लिए हमारे गया का भाजपा का प्रवक्ता बोलता है। ठीक है, भारत रत्न विचार की बात है तो राजबाबू मिला ही था।
सर तेजस्वी बार बार बोल रहे हैं, राजद के लोग बोल रहे हैं, खेला अभी बाकी है। अरे बोलने में कहाँ मनाई है जी, पहले क्यों दे दिया ना, अब कोई खेला नहीं होगा, ये मजबूत गठबंधन है, बिहार स्वीप करेगा।